मशहूर अभिनेत्री गहना वशिष्ठ इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हाल ही में दैनिक भास्कर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर कई सारे संगीन आरोप लगा दिए हैं। इसके बाद से वो लगातार विवादों में बनी हुई है। इससे पहले वो राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफिक केस के दौरान सुर्खियों में आई थी और जेल भी जा चुकी है, लेकिन अब हाल ही में दैनिक भास्कर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान गहना वशिष्ठ ने कास्टिंग काउच को लेकर बात की। गहना वशिष्ठ ने इंटरव्यू में बताया कि मैं 2011 में मुंबई आई थी, तब मेरी मुलाकात राजेश निराला नाम के एक शख्स से हुई और उसने मुझको कहा कि वो काम दिलाएगा। इस शख्स ने मुझे सलमान खान की फिल्म में भी रोल दिलाने के लिए वादा किया था। वो शख्स मुझे प्रोड्यूसर के पास लेकर गया। गहना वशिष्ठ ने खुलासा किया और बताया, वहां पर उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब मेरे कपड़े भी फट गए थे और मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गई। साल 2012 में एक्ट्रेस ने बताया कि मुझे प्रवीण जुहान नाम का एक आदमी मिला जो खुद को बालाजी का डायरेक्टर बता रहा था। उसने मुझे घर पर बुलाया और कहा कि फिल्म करना है तो थोड़ा खुलना पड़ेगा। फिर उसने शराब पीने को कहा और वहीं जब मैंने मना कर दिया तो उसने, ये फिल्म में एक सीन है और वहां पर तुम्हें पीना ही होगा। उसने बहुत ही चालाकी के साथ मुझे शराब पिलाई और जब मैं नशे में हो गई तो उसने मेरा रेप किया, लेकिन वहां से जैसे तैसे भागकर घर के सामने एक गड्ढे में जाकर गिर गई। लेकिन बाद में किसी ने उठाकर मुझे घर छोड़ा और एक हफ्ते तक मैं अस्पताल में भर्ती रही। फिलहाल आपको इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।